in association with Bhushan Jewelers, Solan. सोलन नगर निगम चुनाव को लेकर कई दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। चुनावी हलचल के बीच चुनावी प्रचार भी जोरों पर चल रहा है। शहर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अपनी विशेष पहचान और समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध कुलभूषण गुप्ता एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। सोलन के वार्ड नंबर 5 से बतौर भाजपा समर्थित प्रत्याशी के रूप में कुलभूषण गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। कुलभूषण गुप्ता पहले भी नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद पर आसीन रह चुके हैं और लगातार 2 बार इस वार्ड सहित पूरे शहर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पुत्रवधू को भी चुनाव लड़वाया और जीत दर्ज करवाई। चुनावी हलचल के बीच सिरमौर न्यूज की टीम ने वार्ड नंबर 5 का दौरा किया और यहाँ की जनता की नब्ज टटोलने का प्रयास किया। वार्ड की अधिकांश जनता इसी बात से उत्साहित है कि उनके चहेते कुलभूषण गुप्ता एक बार फिर से जनता की सेवा के लिए आगे आए हैं। विभिन्न लोगों से ली गई प्रतिक्रिया के बाद कुलभूषण गुप्ता की जीत लेकर सभी आश्वस्त दिख रहे हैं। बहुत बहुत अच्छे हैं। आज तक ये 2 बार पहले भी आजाद उम्मीदवार यहाँ से जीते हैं, तो ये तो हमेशा लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतने अप्रोचेबल है, इनको रात को सुबह कभी भी कोई काम हो तो कभी किसी के लिए मना नहीं है। हमेशा इन्होंने बढ़ चढ़ के हर चीज में, समाज सेवा में, हमारे वार्ड में जब भी ये पार्षद रहे हैं खूब तरक्की हुई है। हमेशा ही समाज सेवा में तत्पर रहते हैं। ये 15-20 सालों से गौशाला चला रहे हैं, जो बहुत ही अच्छे तरीके से चला रहे हैं ये गौशाला भी, और गौओं की सेवा भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और 3 बार इलेक्शन जीत चुके हैं हमारे वार्ड से। बिल्कुल, ये बार बार यही परिवार चुनाव लड़ रहा है, किसी और को क्यों नहीं देखते आप? काम ही अच्छा करते हैं, और कोई ऐसा वोट में डिजर्विंग है नहीं जो काम कर सके इतना अच्छा। इसे लगातार ही मेरा वोट होगा। चाहता प्रत्याशी तो श्री कुलभूषण गुप्ता जी ही है, और वो पहले भी 15 साल वो रह चुके हैं पार्षद, एक बार उप वो भी रह चुके हैं। बताते चले कि कुलभूषण गुप्ता ने वर्ष 2000 में चुनाव लड़ा और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को करारी पटकनी दी। उसके बाद अगली बार फिर चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। पहली मर्तबा ही चुनाव जीतने के बाद 2.5 साल तक उपाध्यक्ष के पद पर आसीन रहे और अपने वायदे के अनुसार पद को त्याग दिया और फिर दोबारा चुनाव जीत कर आए। उसके बाद अपनी पुत्रवधु को चुनावी मैदान में उतारा और उनके खानदान की पहचान मात्र से ही वे चुनाव जीत गई। अब के मर्तबा नगर निगम घोषित हो जाने के बाद भाजपा ने उन पर विश्वास जताया और इस वार्ड से भूषण ज्वेलर्स के नाम से मशहूर 74 वर्षीय कुलभूषण गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। जी, मैं 5 नंबर वार्ड से हूँ। बाकी ये कि जीतने में तो ये भूषण अंकल जीतेंगे इस बार, एंड अपने उन्होंने काम बहुत कराए हैं पहले जब वो रहे थे काउंसलर। बाकी उम्मीदवार तो यही है, यही जीतेंगे जी। तो मेन चहेते वार्ड अपने लाला जी हैं कुलभूषण जी, और वो जीतेंगे इस बार क्योंकि उन्होंने बहुत योगदान किया हुआ है। हमेशा वार्ड का ध्यान रखा है, पूरे गौशाला पे भी ध्यान रखते हैं, हर जगह मेहनत करते हैं, हर जगह हर एक का साथ देते हैं। कोई भी व्यक्ति उनके बाद किसी सेवा के लिए चल जाए, वो खुले दिल से स्वागत करते हैं और उनकी पूरी मदद करते हैं। वार्ड में किस तरह का योगदान उनका रहा इससे पहले? बहुत बढ़िया रहा योगदान, कोई पानी की समस्या नहीं हुई, होनी सब वो नहीं कर रहे, सबकी मदद करते हैं, सबकी मदद करते हैं, जो भी मोहल्ले में सब उनकी मदद कर रहे हैं। हमारे वार्ड से पूछने ही जीते, मेंबर की तरह रहते हैं, फैमिली की तरह। अच्छा। इस वार्ड में इन्हें हमेशा काम किया, जब जब जीत गए, ये इंशाल्लाह तरह जीत जाएगा जरूर। आपकी दुआएं साथ में, हमारा दुआ के साथ सहयोग आपका है, हमारा सही इसके पूरा समर्थन है, पूरा समर्थन। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा।
गोरा कैसा अभिमान। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।